morning, students. Today we discuss the most important part of statistics for class 10th. These are some formulas which are very important for your 5 marks questions. It is compulsory question and you should to do these formulas used and solve the question. The questions types are 3 types: calculate mode, median and mean. All the 3 terms are you need to know very well. You already study the formulas of mean. This is sigma fx upon sigma f. This is direct method. Direct method is very simple. If the question has says that calculate the mean with the help of direct method, then you follow this formula. If you apply these 2 formulas, then it is wrong. Now simply, if he says apply deviation method, then you solve this method. Mean is equal to a assumed mean, and d is called with the help of assumed mean, x minus a. A is assumed mean by table. ये जो a assumed mean है, ये आपका table से लिया जाता है for class mark. For example, if the question is written like this, class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, frequency 3, 5, 2, 8, ठीक है, तो जो assume mean है direct method पे, तो आपको सिर्फ f और x निकालना है. x is called, x जो होता है इसे बोलते हैं कई लोग मिड वैल्यू या क्लास मार्क. तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में क्लास मार्क लिखा है तो भी x का डिस्कशन हो रहा है, मिड वैल्यू है तो भी x का डिस्कशन हो रहा है. और ये x कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. हर एक क्लास इंटरवल की अलग अलग x की वैल्यू होती है, इसीलिए इसको टेबल में राइट डाउन करते हैं. तो 0 प्लस 10 मींस 0 प्लस 10 बाय 2 गिव्स अस 5. फिर 10 प्लस 20 अपॉन 2, दिस इज 15. तो आप देखेंगे बहुत सिंपल सा होता है. जो डिफरेंस है इन दोनों का, 0 और 10 का, कितना डिफरेंस है 10 का. 10 20 का डिफरेंस भी 10 है, 10 20 30 का डिफरेंस भी 10 है, 30 40 का डिफरेंस भी 10 है. यानी जो क्लास इंटरवल का साइज होता है, साइज मींस जितना डिफरेंस आ रहा है दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट में, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है, वही यहां पे भी डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क में. तो 5 10 15 नाउ 25 35 एंड 45. यानी हर बार हमें ये ऐड करके 2 नहीं करने की जरूरत है, बस एक बार हम क्लास चेक कर लें कि क्लास का साइज कितना है, उसके बाद हम इजीली सॉल्व करके लिख सकते हैं. अब जब आपसे कहता है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में केवल एक कॉलम बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एफएक्स. दिस मल्टीप्लाई करते जाइए और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. दिस इज डायरेक्ट मेथड. बट यहां पे मैं डायरेक्ट मेथड आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं डिविएशन मेथड. डिविएशन मेथड में क्या होता है, इस तरह मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करते हैं. डिविएशन में हम सबसे पहले एक एज्यूम मीन कैलकुलेट करते हैं, और एज्यूम मीन कई स्टूडेंट्स एफ से कैलकुलेट कर लेते हैं या उनको नहीं समझ में आता है. हमेशा एज्यूम मीन एक्स से कैलकुलेट करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मिड वैल्यू हो. बट अगर आप मिड वैल्यू से अपर या लोअर भी ले लेंगे तो रॉन्ग आंसर नहीं होगा. एज्यूम मीन का मतलब है जो इसका मीन हो सकता है, अप्रोक्स जो मीन हो सकता है. तो आपने कह दिया सर ये मिड में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 25. तो आप यहां पे लिख दीजिएगा कैपिटल ए इज इक्वल टू 25. दिस इज सिंपली ए इज इक्वल टू 25. ये आपका एज्यूम मीन है. तो जैसे ही आप यहां एज्यूम मीन कंसिडर करेंगे, तब आपको डी वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डी. तो डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए. एक्स माइनस ए मींस 25. 5 माइनस 25 गिव्स अस माइनस का 20. और जो नेगेटिव साइन आएगा वो आप कंसीडर करोगे.
जो भी नेगेटिव साइन आएगा उसको आप कंसीडर करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस भी एज इट इज चल रहा है 10 से, तो नेक्स्ट हो जाएगा 15 माइनस 25 गिव्स अस माइनस 10, फिर 25 माइनस 25 गिव्स अस 0, और नेक्स्ट वन 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10, 45 माइनस 25 गिव्स अस 20, दिस इज योर माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, यानी आपका जो एज्यूम मीन आ रहा है वो ऑलवेज सेम आएगा, माइनस 20 माइनस 10 0 10 20। और एग्जाम में अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स माइनस ए, यहां ए जो है आपका एज्यूम मीन है, बट ए अगर आपका एग्जैक्ट मीन होता तो उसका सम जीरो आता, जो कि यहां पे भी आ रहा है, माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, दैट इज कॉल्ड सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, यहां पे आई लगा दीजिए, आई मीन्स जो डेटा आपका चल रहा है और उसका मीन से डिफरेंस ले रहे हैं, और समीशन मतलब होता है सम करना, तो इसका जो सम आएगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, सम एज्यूम मीन से या मीन से लेंगे, एक्यूरेट मीन से जब सम लेंगे आप डेटा का तो वो हमेशा जीरो आ जाएगा, इट इज कॉल्ड डिविएशन, इसको बोलते हैं हम लोग डिविएशन फ्रॉम मीन। ये हमारा मीन है और ये मेरा डेटा है, रफ डेटा मतलब 1, 5, 1, 5, 7, 2, 4 जो भी डेटा है उसका मीन से डिफरेंस, मींस 1 माइनस एक्स बार 5 माइनस एक्स बार दिस वन, तो इनका जब सम किया जाएगा तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके में आता है ऑब्जेक्टिव में। आफ्टर दैट आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आप डी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस एफ इंटू डी, और जब f into d मल्टीप्लाई कर देंगे यहां वैल्यू रख दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। समेशन f मतलब होता है दिस मीन, समेशन f मतलब होता है इसका सम करना। अभी इसी फुल क्वेश्चन इसको हम करेंगे, बट अभी हम केवल ये समझना चाह रहे हैं कि d का क्या मीनिंग होता है। तो d का मतलब होता है x माइनस a, जहां पे x हमेशा क्लास मार्क या मिड वैल्यू से लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में पहले से मिड वैल्यू है तो आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तब आप डायरेक्ट f इंटू एक्स या f इंटू डी कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। आफ्टर दैट एक मेथड और मीन में आता है, ये थोड़ा सा और इजी है, मीन इज इक्वल टू दिस वन, इसे कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, एज्यूम मीन एज इट इज लेना है, सिग्मा एफ आई यू आई, यहां आई और यू नोटेशन है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, और एच जो है मैंने अभी आपको डिस्कस किया क्लास इंटरवल का जो साइज होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वही आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो भी डिफरेंस है उसी को हम एच बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एच। तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे यू क्या निकल के आ रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, यू हमारा होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स माइनस ए अपॉन एच, कई लोग इसको एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एच भी करते हैं, और ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू, यू किसका नोटेशन है, यू नोटेशन है एक्स माइनस एज्यूम मीन अपॉन एच या एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार मींस मीन अपॉन एच। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, यानी आपका ये भी आपको याद होना चाहिए और साथ में डिविएशन का नोटेशन भी याद होना चाहिए, सम भी याद होना चाहिए, ठीक है। और डिविएशन हमेशा क्लास मार्क से लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, एफ इंटू यू कर देना है, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्लास इंटरवल, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट मेथड है तो क्लास इंटरवल के लिए आप एक्स कैलकुलेट करेंगे और एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और जो इनका सम आएगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ दैट इज कॉल्ड मीन, ये हो गया पहला मेथड, क्लियर।
सेकंड मेथड देखिए, आपको दिया जाएगा क्लास इंटरवल जो कि हमेशा देंगे आपको, फिर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्रीक्वेंसी का जो भी आपको मालूम है, फिर आप एक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट्स गुड। आफ्टर दैट अगर उन्होंने डायरेक्ट मेथड बोला है तो डायरेक्ट मेथड का मतलब है ये फॉर्मूला, और सॉरी डिविएशन मेथड बोला है तो डिविएशन में डी जरूरी है, दैट इज कॉल्ड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए जो है आपका ये हमेशा इस कॉलम से निकलता है, तो आपको यहां पे कहीं आपको ए दिया होगा मिड वैल्यू के बीच में, और आप उसका डिविएशन निकाल लेंगे और फिर एफ इंटू डी कर देंगे, और जब इसका सम करोगे तो यहां सिग्मा एफ डी आएगा, दैट्स गुड, और ये सिग्मा है। फिर आप मीन का मेथड निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देखिए यहां एक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी से, क्यों? क्योंकि डेटा बहुत डिफिकल्ट होता है, जो यहां पे जब डेटा देंगे फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी, ये डेटा भी लार्ज होगा तो इसकी मिड वैल्यू भी लार्ज आएगी, इसलिए डी निकालते हैं। आफ्टर दैट थर्ड मेथड आता है, जब आपसे वो कहेंगे कि कैलकुलेट मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको, एक्स मतलब क्लास मार्क जिसको निकालने का तरीका आपको मालूम है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू। फिर आप निकालेंगे यू, यू इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, यहां पे एच हम डिस्कस कर चुके हैं, एच होता है क्लास साइज, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का जो भी साइज होगा, और एक्स है क्लास मार्क। ए आपको जैसे यहां पे एज्यूम मीन लिया था वैसे ही एज्यूम मीन आप यहां से लेंगे कॉलम से, अप्रॉक्स कोई बीच की डिजिट होगी। यू आप निकाल लीजिए, जो भी यू आएगा उसके बाद आप एफ यू करेंगे, और दैट इज सिग्मा एफ यू। फॉर्मूला लगा देंगे इसके लिए हम लोग, ये है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब यू का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यू क्या चीज है, तो आपको यू ये बताना है, इसका भी डिविएशन ये चीज होती है, और जब इसका सम करोगे यानी सिग्मा डी करोगे तो जीरो आएगा, सिग्मा डी लिखो या सिग्मा एक्स माइनस ए लिखो, जीरो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस वन। कभी कभी एज्यूम मीन से सम जीरो नहीं आता, लेकिन एक्यूरेट मीन से हमेशा जीरो आएगा। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए मीन कैलकुलेट करने के। इसके बाद आते हैं हम लोग मीडियन। मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मीडियम कैलकुलेट करते समय डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहिए, क्योंकि डेटा आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस, और अगर वो क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मस्ट है कोई भी डेटा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको 3, 7, 9, 12, 16, 4, 18 इसका मीडियन निकालना है, तो डेटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिसेंडिंग ऑर्डर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर होना चाहिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम इजी करते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, तो लिख लेते हैं 3, 4, 7 ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल हमारे पास कितने, काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी 7 के ऊपर ही डिपेंड होगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड होगा कि हमारा मीडियन क्या होना चाहिए। बिकॉज जो मीडियन होता है वो बहुत सिंपल तरीका है, वो मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। यहां पे आपका 7 है यानी ऑड नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ऑड है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला आप लगाएंगे एन प्लस 1 बाय 12th ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन लिखना जरूरी है बिकॉज आपका ये आंसर नहीं आएगा 7 प्लस 1 बाय 2, दिस इज नॉट योर आंसर, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, दिस तो 9 आपका मीडियन है।
और आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं, सर यहाँ पे सेवन ऑब्जर्वेशन है तो सेवन ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं इधर से वन कट कर दूं, इधर से वन, फिर इधर भी एक, फिर इधर भी एक, फिर इधर भी एक, फिर तो जो मिड की वैल्यू बच रही वही मेरा मीडियन है, यानी एक इधर से कट किया तो एक इधर से भी कट किया, इक्वल है तो ये मीडियन आ जाता है। दूसरा, अगर ऑब्जर्वेशन ऐसे होते 3, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 1 और 2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर ये 10 ऑब्जर्वेशन है तब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, इवन नंबर्स हैं यानी कि मीडियन का जो फॉर्मूला आएगा n बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू, दैट इज कॉल्ड 10 बाई टू और 10 बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू गिव्स अस 10 बाई टू इज फिफ्थ, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1, 2, 3, 4, फिफ्थ सेवन है और जस्ट इसके बाद 9, आपने यहां पे थोड़ा सा दिस इज कॉल्ड 16 बाई टू मीन्स 8, तो आपका आंसर आ रहा है 8, ये आपका मीडियन हो गया। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है और आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप सबसे इजी तरीका करता हूं, आप मीडियन काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वही मेथड यानी असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद आप इसको कट करना स्टार्ट करिए, एक इधर कट कर दो, एक इधर कट कर दो, फिर इधर कट करो, इधर कट करो, इधर कट करिए वन, इधर भी वन, फिर ये कट हो गया, अब क्या हो रहा है, अब दोनों कट हो रहे हैं यानी कुछ नहीं बच रहा है, दैट इज कॉल्ड नथिंग, यहाँ पे तो 9 बच रहा था तो वो मीडियन आ गया, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो इन दोनों को रोक लीजिए और इसका एवरेज निकाल लीजिए, यानी 7 प्लस 9 दैट इज कॉल्ड 16 बाय 2 दिस इज 8, मीडियन कितना आ गया 8, यहाँ आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया बट ये आपका फॉर्मूला है n by 2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1 है तो ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। जैसे इसका मीडियन निकालना है कैलकुलेट करते हैं 5, 7, 9, 11, 13, 24, 32, इसका निकालना ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डेटा दिया है मैंने चेक कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तुरंत मैं ऑर्डर करूंगा 1, 2 इधर से, 1, 2 इधर से, फिर 1, फिर 1, अब इसको कट कर देंगे तो कुछ नहीं बच रहा है, तो आप इसी का एवरेज लिख लीजिए 11 प्लस 13 बाई 2 दैट इज कॉल्ड 24 बाई 2 गिव्स अस 12, तो इसका जो मीडियन आ रहा है वो है 12, दिस इज कॉल्ड मीडियन, यानी मीडियन यानी मिड की वैल्यू का एवरेज, अगर वो इवन हो रहे हैं और अगर ऑड है तो मिड वैल्यू ही आपका मीडियन हो जाता है, क्लियर। तो जरा कैलकुलेट करिए व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स आप लिखेंगे उनका मीडियन आपको बताना है, सिंपल है आपके लिए 1, 2, 3 और 19, 20, इनका मीडियन आपको पता करना है, तो जाहिर सी बात है जो बिल्कुल मिड में आएगा वो 10 और 11 आएगा, बिकॉज इधर भी 9 डेटा हो चुके होंगे, इधर भी 9 नंबर्स आ चुके होंगे, यहां 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा होगा, 9, 10, 12 ऐसे, 18, 19, 20, अब आपको केवल इनका एवरेज निकालना है, तो 10 प्लस 11 बाई 2 दैट इज कॉल्ड 21 बाई 2 इज इक्वल टू 10.5, दिस इज योर मीडियन। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम एवरेज सॉल्व कर लेते हैं किसका, मिड वैल्यूज का, इसी तरह फर्स्ट ऑड नंबर्स 7 ऑड नंबर्स का मीडियन फाइंड करना है, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, तो पहला ऑड नंबर आपका आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 2, 3, 3, दिस इज कॉल्ड 7, मीडियन आपका 7 आ गया, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ये डेटा है डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, इंडिविजुअल मतलब हर डेटा आपका अलग अलग दिया हुआ है, सिंपली हम इस तरह मीडियन निकालेंगे, और अगर आपको क्लास इंटरवल करके देते हैं यानी डेटा में आपको क्लास इंटरवल दे रहे हैं तब तो मीडियन फॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तब आपके पास एक फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस, अब ये लोअर लिमिट किस क्लास साइज का लेना है,
जिसका मीडियन आंसर आ रहा होता है, प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन, ये सी एफ मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना बहुत जरूरी है, वो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा दो स्टेप में निकलता है मीडियन का फॉर्मूला। पहला होता है मीडियन क्लास निकालते हैं, मीडियन क्लास चेक करते हैं कि मीडियन क्लास क्या है। देखिए मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा क्लास इंटरवल है जिसके अंडर में हमारा आंसर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये दे दिया मैंने क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेयर्स दे दिए, ठीक है, जीरो से फाइव, जीरो से टेन जो मार्क्स बनाते हैं रन्स बना रहे हैं वो केवल दो प्लेयर हैं, टेन से ट्वेंटी रन्स बनाने वाले फाइव प्लेयर्स हैं, 20 से 30 रन बनाने वाले 8 प्लेयर्स हैं, 30 से 40 रन बनाने वाले 9 प्लेयर्स हैं, और 40 से 50 बनाने वाले 4 प्लेयर्स हैं। ये आपका दिया और पूछ रहा है मीडियन पार्टी। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इसमें मीडियन किसका आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो मिड वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, यानी नंबर ऑफ प्लेयर्स में जो 20 से 30 रन बना रहे हैं वो मीडियन को डिसाइड करेंगे कि जो 30 से 40 रन बना रहे हैं वो मीडियन को डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे सिंपल होता है हम इन सब का टोटल करके मीडियन क्लास पता कर लें। तो सबसे पहले इनको टोटल करिए, 5 टू 7, 7 और 8 15, 24, 28। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स 28 हैं, तो हम 28 के लिए मीडियन क्लास के लिए पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन नंबर फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड 14th ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑब्जर्वेशंस चेक हो रहे हैं। ये आपका मीडियन का आंसर इससे कभी नहीं आता, मीडियन का आंसर हमेशा इधर से आएगा, ध्यान रखिएगा मीडियन का आंसर यहां से आएगा, ये मीडियन का आंसर नहीं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इससे आंसर आपका मिलता है, ठीक है। यहां पे आपको मीडियन क्लास मिल गया 14th ऑब्जर्वेशन। तो 14th ऑब्जर्वेशन कहां पे कंसीडर कर रहा है आप नहीं बता सकते हो, क्यों, क्योंकि इन्होंने तो 2 ही ऑब्जर्वेशन दिए, यहां 5 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं 8, तो 14th ऑब्जर्वेशन तो आ ही नहीं रहा है। इसके लिए हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 0 से 10 जितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने 0 से 10 के बीच में मार्क्स नंबर्स रन्स बनाए हैं वो यहां लिख दीजिए 2। अब 0 से 20 ये सारे यानी ऐसे प्लेयर्स जिनके रन्स 0 से 20 के बीच में आ रहे हैं वो ऐड कर दो, दिस इज कॉल्ड 2 प्लस 5 गिव्स अस 7, फिर अब 7 में 8 ऐड करिए, 8 प्लस 7 गिव्स अस 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 4 गिव्स अस 28। ध्यान रखिएगा इसका जो सम है यहां के सम के बराबर आना चाहिए, इक्वल आएगा तभी आपका कैलकुलेशन सही जा रहा है। अब 14th ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा, 7 और 15 के बीच में ही कहीं पे 14th ऑब्जर्वेशन पड़ेगा, बिकॉज ये 7th ऑब्जर्वेशन है, ये 15th ऑब्जर्वेशन है, ये 24th ऑब्जर्वेशन है, ये 28th ऑब्जर्वेशन है, और 24 के बाद 25th, 26th, 27th वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। 7 के बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सबके इंटरवल में आएंगे, दिस वन 20 से 30 के बीच में यहां पे आएगा आपका 14th ऑब्जर्वेशन। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी क्लास, जो मीडियन क्लास है ध्यान दीजिएगा, मीडियन क्लास जो मैंने फाइंड किया है वो है मेरा 20 to 30, दिस इज मीडियन क्लास। जब आप पूरा आंसर कैलकुलेट करेंगे, मीडियन चेक करेंगे, तो उसका आंसर इसी के बीच में आएगा, दिस इज योर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास पता करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन मस्ट है पता होना, आफ्टर दैट आप 8 लिखेंगे, दिस इज फ्रीक्वेंसी, कि इन्हीं 8 में से कोई एक बंदा था जिसका 14th ऑब्जर्वेशन यानी 14th नंबर आ रहा है। अब ये आपका हो जाता है 7, 7 का काम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसी के बाद वाले इंटरवल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन क्लास हमारे लिए आ गया
20 से 30, अब इस फॉर्मूले में रखते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू आ जाएगा लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड 20 प्लस n बाय 2, n बाय 2 मींस 14 माइनस 7 बाय f, फ्रीक्वेंसी कितना 8 है इंटू h, h मतलब डिफरेंस कितना चल रहा था 10 का क्लास साइज का, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 7 बाई 8 इंटू 10। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मत लीजिएगा कभी भी, जब भी आप एलसीएम लेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी बिकॉज कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, आप इसको हमेशा पूरा डिवाइड कर लीजिए अलग, तो 70 बाई 8 को हम डिवाइड ही कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा 56 और 4 0 5, 8.75, दैट इज कॉल्ड 20 प्लस 8.75 गिव्स अस 28.75। देखिए मीडियन क्लास 20 से 30 के बीच में आ रहा है, यही आपका मीडियन है। सिंपली इसको सॉल्व करिए, फिर अगली क्लास में देखते हैं।